प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आज पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए कार्रवाई जारी है। खबर है कि रात 8 बजे के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है। विपक्ष सुबह से जल्द वोटिंग की मांग कर रहा है। विपक्ष के नेता शहबाज का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जल्द से जल्द वोटिंग हो, जबकि सत्ता पक्ष वोटिंग को सुबह से टाल रहा है। कार्यवाही के दौरान दूसरी बार बोलते हुए विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विपक्ष पर सत्ता पक्ष के सांसदों को खरीदने का आरोप लगाया। उन्होंने संसद में अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत को कैमरे पर बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजदूत संसद के सामने आकर अमेरिका की धमकी को बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं की मीडिया सच चुकी है। इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार के बाद स्पीकर ने नेशनल असेंबली की कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित किया था। इस बीच संसद में स्पीकर के चैम्बर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बैठक हुई, जिसमें विपक्ष ने भरोसा दिया कि वे सत्ता पक्ष की चर्चा के दौरान हंगामा और शोर शराबा नहीं करेंगे। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वे विपक्ष को रात 8 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने का समय देंगे। हालांकि पाकिस्तानी राजनीति के जानकारों का मानना है कि सरकार आखिरी मौके पर अपने वादे से मुकर भी सकती है, लेकिन जो खबर आ रही है उससे साफ है कि इमरान ने पहले ही हार मान ली है। इमरान के मंत्रियों ने वोटिंग के पहले ही अपने ट्विटर पर पूर्व मंत्री लिख दिया है। फयाद चौधरी हो या फिर महमूद कुरैशी, सभी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर प्रोफाइल बदल ली है, जिससे साफ संकेत है कि इमरान की पार्टी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वोटिंग का सामना करने जा रही है। कुल मिलाकर इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार को नेशनल असेंबली में वोटिंग हो सकती है। उनकी सरकार पहले ही बहुमत खो चुकी है। और इस बीच ट्विटर पर इमरान खान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने अपने बायो में मंत्री के आगे पूर्व लगा लिया है। वहीं इमरान खान ने आज रात 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। क्या फसाद चौधरी का ये नया ट्विटर बायो इस बात का संकेत है कि इमरान खान की कप्तानी अब पूरी तरह खत्म होने वाली है? वहीं नेशनल असेंबली में बोलते हुए बिलावल भुट्टो पीटीआई सरकार पर काफी आक्रामक नजर आई। उन्होंने कहा कि अगर इमरान 100 और 1000 कोशिशें भी कर ले तो भी भुट्टो नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि वो बहुमत खो चुके हैं। स्पीकर महोदय, आप उनके जुर्म में शरीक न हो। कप्तान अपना बचाव नहीं कर सकते, वो घर में मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान में विपक्ष निष्पक्ष चुनाव हुए तो इमरान खान हार जाएंगे, इसलिए वो निष्पक्ष चुनाव से डरते हैं। इमरान कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो राजनीतिक शहीद नहीं बन सकते। भुट्टो ने कहा कि खान ऐसे कप्तान हैं जो हारने के डर से विकेट उठाकर मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, उनकी खेल भावना दिखनी चाहिए थी। वहीं झूठी चिट्ठी लहरा रहे हैं, उनके पास वोटिंग से भागने का कोई रास्ता नहीं। स्पीकर कोर्ट का आदेश मानते हुए वोटिंग कराए। तारीख में हमने कभी ये देखा नहीं है कि कोई वजीर आजम के खिलाफ जमहूरी तरीका अपना के इनको घर भेजा जाए, और हमने पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ गैर जमहूरी कदम उठाते हुए देखा है। तो उम्मीद ये है कि ना सिर्फ ये अब इस हुकूमत के खिलाफ जिस तरीके से अदम एतमाद कामयाब होते हुए नजर आ रहा है, मगर आगे जाके भी हमेशा के लिए कोई गैर जमहूरी ऑप्शन नहीं। जो इंतकाम का लफ्ज हमारे डिक्शनरी में नहीं है, हमारा कानून इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा। खान साहब और ये नायब का इल्म हमें है, नायब का इल्म हमें है, अलबत्ता नायब न्याजी गठजोड़ को हम तोड़ के रहेंगे इंशाल्लाह, जिसने पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। दूसरी जो आपने सवाल किया उसका जवाब यह है कि अगर पीटीआई वाले इस्तीफा देते हैं तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन हम इंशाल्लाह इस ऐवान को ऐवान के जो सुनहरी रवायात हैं उसके मुताबिक चलाने के लिए हत्तुल मकदूर कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी कौम आपको मुबारक हो, माशाल्लाह ऐसे शख्स से निजात मिली है जिसने पाकिस्तान को बिल्कुल मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद किया,
पाकिस्तान के आम आदमी को धोखा मार दिया है और पाकिस्तान को बिल्कुल कंगाल करके रख दिया है और पाकिस्तान को एक बहुत ही ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जहां कभी तसव्वुर नहीं हो सकता। पाकिस्तान की बका और उसके इस्तेहकाम के लिए दुआएं भी करें और पाकिस्तान में जो सियासी बोहरान और फिर माशी बोहरान आए हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन बोहरानों से निकाले और इंशाल्लाह अब कल पूरे मुल्क के कोने कोने में योम तशक्कुर भी होगा, उसके लिए दुआएं भी होंगी, रैलियां भी होंगी और वो जो पहले ऐलान था कि योम तहफ्फुज आईन पाकिस्तान उसमें एहतजाज का पहलू शामिल था, इसलिए उसको योम तशक्कुर में तब्दील किया जा रहा है। आपके हाथ में अपनी जमहूरियत को उसकी हिफाजत कौन करता है? कोई फौज नहीं कर सकती जमहूरियत की हिफाजत, कोई बाहर से फॉरेन पावर नहीं कर सकती, कौम अपनी जमहूरियत की हिफाजत करती है, कौम अपनी सॉवरेंटी की हिफाजत करती है। ये जो हमारी सॉवरेंटी के ऊपर अटैक हुआ है, मैं आज आपको कह रहा हूं, आज आप इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे, आगे से ये हुआ करेगा कि जो भी आएगा ना पावर में, जो भी आएगा वो फिर सबसे पहले देखेगा कि जी आपको कोई सुपर पावर तो नाराज नहीं हो रही, और वो फिर वही करेगा जो वो चाहेंगे, क्योंकि उसको डर होगा कि उन्होंने 5-10-15 अरब रुपया खर्च करना है और मेरी कुर्सी उल्टा देनी है। संडे को आपने सब ने इशा के बाद आपने सब ने निकलना है और एक जिंदा कौम की तरह इत्तेजाज करना है, पुरमन इत्तेजाज करना है। मैं फिर से कहता हूं, कभी भी आपने इत्तेजाज पे तोड़ फोड़ और कुछ तसादम नहीं करना, पुरमन इत्तेजाज। लेकिन आपने बताना है कि देखिए आपने अपनी फ्यूचर को की हिफाजत करनी है, आपने अपनी जमहूरियत अपनी सॉवरेंटी की हिफाजत करनी है, अपनी आजादी की हिफाजत करनी है। हमें ये फैसला करना है कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। मैं आपको आज मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूं, मेरी दोस्तियां भी थी क्रिकेट की वजह से, बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मैं मेरी लोगों से वहां वाकफियत भी बड़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है, कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। अब देख रहे हैं वो रूसियों से, हालांकि सारी सेंक्शंस लगी हुई है, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं हमारे लोगों की बेहतरी है। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूं कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूं ना किसी मुल्क का एंटी हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो मेरे लोगों के फायदे के लिए पहली चीज वो है, मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए, उसके बाद मैं दुनिया की बाकी चीजें मानने के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।